हम अपनी क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इससे पिछले मॉड्यूल में हमने उसके पर्पस पे गुफ्तगू की थी कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के करने के मकासद क्या है, उससे हम हासिल क्या करते हैं। अब हम उसके प्रोसेस के बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं और उसमें सबसे पहला टाइटल जो है वो कोडिंग ऑफ द डेटा। अच्छा, इन तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो बुनियादी तौर पे मिनिमम लेवल पे हम इस्तेमाल करते हैं। कोडिंग है, उसके बाद इसके थीम्स का आइडेंटिफिकेशन है, और इसके बाद उसकी कैटेगरीज की में उसको क्लब करना है। ये तीनों बातें हैं अलहदा अलहदा, लेकिन इनकी गुफ्तगू हम एक साथ चला पाएंगे क्योंकि ये एक सीक्वेंस का हिस्सा है। तो कोडिंग का जो बुनियादी तस्वर है वो सिर्फ इतना सा ही है कि आप ये इंतजाम करें, ऐसी फंडामेंटल टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं जो आपको हेल्प करती हैं उस डेटा से मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने में। क्योंकि देखें, क्वालिटेटिव डेटा की खूबसूरती जो है वो इसकी वेरिएशन में है, यानी लोगों की राय को आप बिल्कुल उस फॉर्म में इकट्ठा करते हैं जिस तरह वो एग्जिस्ट करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च बमुकाबला क्वांटिटेटिव के, क्वांटिटेटिव में आप डेटा लेने से पहले ही लोगों की राय को एक प्री डिसाइडेड कैटेगरीज में एक्वायर करते हैं, पहले से डिसाइड की होती है, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री के दरमियान पांच कैटेगरीज बना दी और कहा कि आप जो भी रिस्पॉन्ड करेगा इनमें से किसी एक कैटेगरी को चूज करेगा, तो वो एक प्री डिसाइडेड कैटेगराइजेशन है। जबकि क्वालिटेटिव डेटा में आप कोई कैटेगराइजेशन नहीं करते, आप फ्री फॉर्म में, ओपन फॉर्म में लोगों से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी खूबसूरती इसकी वेरिएशन में है। हर आदमी अपने अल्फाज को चूज करके अपनी सोच के मुताबिक एक जवाब तरतीब देता है। अब इसमें बहुत इम्कान होता है कि दो लोग एक ही जवाब देना चाह रहे हैं लेकिन उनके अल्फाज एक जैसे नहीं है। दो लोग बहुत दफा एक ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लेकिन एक मीनिंग अदा नहीं करना चाहते उससे, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ऐसी सूरत हाल में मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने का पहला स्टेप ये है कि आप डेटा को पढ़ते हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्शन को, और उसके हर स्लाइस को यानी हर सेगमेंट को आप एक कोड अलॉट कर देते हैं। कोड जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक सिंगल वर्ड हो सकता है, एक दो तीन लफ्जों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिससे आपको वो पूरा जो टेक्स्ट है वो पढ़ने की बजाय सिर्फ उस एक लफ्ज से ये समझ आ जाती है कि इस टेक्स्ट में क्या लिखा है, और फिर अगर किसी और ने अपनी गुफ्तगू में उसी तरह का टेक्स्ट लिखा है तो आप उसको भी वही कोड अलॉट कर देते हैं। दूसरे लफ्जों में आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप उसकी कोडिंग करते वक्त उस चीज के मीनिंग को, उस टेक्स्ट के मीनिंग को लूज किए बगैर आपने ये कोशिश करनी है कि इसको एक इस तरह के कोड अलॉट कर दें कि मुख्तलिफ लोगों ने जो एक जैसी गुफ्तगू की है या वो एक कोड के अंदर आ जाए। अब इस कोडिंग के इस प्रोसेस में जो अमूमी तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं वो ग्राउंडेड थ्योरी का एक मॉडल है, जिसमें बेस लाइन डेटा रॉ फॉर्म में डेटा आ जाता है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो ये तीन तरह की कोडिंग्स आपके सामने रखी हैं जो सीक्वेंशियल है। सबसे पहले ओपन कोडिंग है, उसका नेक्स्ट स्टेप एक्सेल कोडिंग है, उससे नेक्स्ट स्टेप फिर उसका सिलेक्टिव कोडिंग का है। तो आप ये तीन स्टेप्स में इसको परफॉर्म कर लेते हैं। ओपन कोडिंग में ये बिल्कुल उसकी इनिशियल स्टेज है, जिसको मैंने भी एक्सप्लेन किया कि आप लोगों के दिए हुए डेटा का ट्रांसक्रिप्ट अपने सामने रखते हैं और उस ट्रांसक्रिप्ट में हर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट को पढ़ते जाते हैं और हर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट को आप एक कोड अलॉट करते जाते हैं, उसका एक टाइटल, शॉर्ट टाइटल एक लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली इंडिविजुअलाइज किस्म की पीसेस ऑफ डेटा है जिनको आपने हर एक को एक कोड अलॉट कर दिया। ये कोड आप कहीं से ड्रॉ नहीं करते, यानी लिटरेचर से पढ़ के या आपने पहले से कोई कोड सोच के रखे हो, ऐसा नहीं है। आप उस टेक्स्ट में मौजूद मीनिंग को सामने रखते हुए आप उसके कोड्स अलॉट करते हैं। और आप सोचिए कि अगर आपके पास 10 लोगों के इंटरव्यू पड़े हैं, आपने हर एक के स्क्रिप्ट को पढ़ा, उसके हर सेक्शन को आपने कोड अलॉट कर दिए, तो इसके बाद इम्कान है कि जब आप इस सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ अलॉट किए हुए कोड्स के दरमियान रिलेशनशिप या कनेक्शन वगैरह नजर आने लगेगा कि ये तो एक जैसे कोड हमने अलॉट किए, जिसको आप फिर कहते हैं ये एक्सेल कोडिंग है। एक्सेल कोडिंग में
बेसिकली ऑलरेडी कंप्लीटेड कोडिंग प्रोसेस में फिर आप देखना शुरू करते हैं कि कौन से कोड्स आपस में रिलेटेड हैं। एट टाइम्स जब लार्जर डेटा होता है तो हम ये कोड्स अलॉट कर रहे होते हैं, तो बाद में जब आप उसको एक दफा दोबारा पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये जो दो डिफरेंट टाइटल मैंने या दो डिफरेंट लफ्जों से जो कोड बनाए थे असल में तो ये एक ही है दोनों। और कई दफा आपको ये भी रियलाइज होता है कि आपने एक कोड को इतना ब्रॉड बना दिया है कि मुख्तलिफ तरह का टेक्स्ट उस कोड में फिट आ गया, तो आप उसको फर्दर सेग्रीगेट करना चाहेंगे। अगर ऐसा हुआ कि एक ही कोड है जिसके अंदर आपने मुख्तलिफ टेक्स्ट डाल दिए थे तो आप कोड का टाइटल दुरुस्त कर लेंगे। आप इस तरीके से जब उसको रिविजिट करते हैं तो एक तो आप कोड्स की ऑथेंटिसिटी को चेक कर लेते हैं, उनकी डिस्टिंक्ट होने को चेक कर लेते हैं, और दूसरा साथ साथ आप उनके दरमियान मुख्तलिफ कोड जो कि एक ही कनेक्टेड गुफ्तगू कर रहे होते हैं या एक तरह का कनेक्टेड डाटा दे रहे होते हैं, आप उनके दरमियान रिलेशनशिप्स वगैरह डिटरमिन करके तो कोड्स के अंदर मुख्तलिफ सेट ऑफ कोड्स अलहदा कर लेते हैं जिनमें हर सेट ऑफ कोड एक थीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और फिर आप इस तरीके से उनके, यानी आपने लेट्स से कि कोड्स अलॉट किए और वो 100 के करीब थे, तो अब जब आप उनको इस तरीके से देखते हैं कि उनमें रिलेशंस वगैरह देखें, उनमें कनेक्टिविटी देखें, उनकी डिस्टिंक्शन को देखें एक दूसरे से, तो आपको ऐसे सेट ऑफ कोड्स मिल जाते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं, यानी वो एक ही पहलू या क्वेश्चन के किसी एक पहलू के मुख्तलिफ सिमतों के बारे में होते हैं, देखने में डिफरेंट है लेकिन रिलेटेड होते हैं। तो आप जब उनको इकट्ठा कर लेते हैं रिलेटेड कोड्स को, तो उस पहली 100 कैटेगरीज रिड्यूस होके कम नंबर ऑफ थीम्स में डिवाइड हो जाती हैं, इनको आप थीम्स कह देते हैं। और फिर इन थीम्स के बाद अगले स्टेप पे आप जाके उनके फिर कैटेगरीज बना लेते हैं जिसको आप सिलेक्टिव कोडिंग कहते हैं। सिलेक्टिव कोडिंग इसकी फाइनल स्टेज है इस प्रोसेस की, ग्राउंडेड थ्योरी के तहत जो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं इसकी फाइनल स्टेज है। इसके अंदर आप कोर कैटेगरीज जो हैं वो डिफाइन कर लेते हैं, यानी आप थीम्स को आपस में कनेक्ट करना शुरू करते हैं। जो थीम्स आपको एक तरह से आपस में कनेक्टेड नजर आते हैं उन थीम्स को फिर आप इकट्ठा करके उनको कैटेगरीज का नाम दे देते हैं। तो ये तीसरी लेयर हो गई। सबसे लोअर लेयर पे हमने कोर्स बनाए, कोर्स के बाद हमने उनको थीम्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर कनेक्टेड थीम्स को इकट्ठा करके हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और इन कैटेगरीज को फिर आप आगे एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमूमन ये कैटेगरीज वो होती हैं जो डायरेक्ट आपके रिसर्च क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही होती हैं या रिसर्च क्वेश्चंस के कुछ पोर्शंस को एड्रेस कर रही होती हैं। तो इस तरह से देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप तीनों स्टेप्स को मैं एक लफ्ज में बयान करूं तो आपने रॉ डाटा को सिंथेसिस के प्रोसेस से गुजार के चंद कैटेगरीज में तकसीम कर दिया, जो कैटेगरीज आपके रिसर्च क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर करने के की सूरत हाल पैदा होती है इससे। तो आप इस तरीके से ये बनाते हैं और इस सारे प्रोसेस को फिर आप अपने रिसर्च के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ जोड़ के एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं।